Hello guys, my name is Ritesh and you're welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss how you can get your first job in data science. So let's start the video. So before starting the video, मुझे आपको कुछ बताना है इस वीडियो के बारे में. ये वीडियो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, बट मुझे लगा कि ये वीडियो बनाने के पहले मुझे इनफ रिसर्च करना है. सो मैंने बहुत पढ़ाई किया, अलग अलग ब्लॉग्स देखे, अलग अलग और वीडियोस देखे यूट्यूब चैनल पे, और पर्सनली भी मेरे सर्कल में जितने भी लोग थे जिन लोगों ने कभी जॉब क्रैक किया है डेटा साइंस की डोमेन में, मैंने उन लोगों से बात की, उनका इंटरव्यू लिया सॉर्ट ऑफ, और अब मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, सो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, सो इट वुड बी अ रिक्वेस्ट कि आप एंड तक देखो, बिकॉज अगर आप एंड तक देखोगे आई कैन गारंटी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, अब इस वीडियो की स्ट्रक्चरिंग की अगर आप बात करो तो इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, जो पहला पार्ट होगा वीडियो का, उसमें मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा. ये वो सवाल है जो आपको खुद से पूछने हैं डेटा साइंस के जॉब को अप्लाई करने के पहले. ठीक है, सेकेंड पार्ट में मैं तीन प्रॉब्लम्स की बात करूंगा जो हर कैंडिडेट फेस करता है जॉब अप्लाई करते टाइम. ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होगा थर्ड पार्ट, वहां पे मैं आपको पांच टिप्स बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेंगे जॉब क्रैक करने में. ठीक है, तो अब ये पूरी चीज जो भी था वो क्लियर हो गया, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट वन, जहां पे मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा और आपको पलट के सवाल खुद से पूछने हैं. स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से. आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं डेटा साइंस का जॉब क्यों करना चाहता हूं. बेसिकली आपको खुद को समझना है. अब कभी भी अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में जॉब करना चाहते हो, उसके पीछे तीन ही मोटिवेशंस होते हैं जनरली. पहला मोटिवेशन होता है पैसा, दूसरा मोटिवेशन होता है डर, और तीसरा मोटिवेशन होता है कि आप सच में पैशनेट होते हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में. ठीक है, पैसा आई गेस आपको समझ में आ रहा है. आपने पूरे टाइम सुना होगा कि यार मेरे सीनियर का पैकेज लग गया, YouTube चैनल पे किसी का इंटरव्यू देख लिया, और आपको लगता है कि यार इस टेक्नोलॉजी को सीखने से इतना पैसा मिलता है. मतलब आपका मोटिवेशन इज पैसा. डर कैसे, आप जो भी चीज़ अभी करेंटली कर रहे हो आपको लगता है कि ये चीज़ फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो जाएगी और AI फ्यूचर में डोमिनेट करेगा, तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गेट इन टू AI. तो ये डर की वजह से आप जा रहे हो. और थर्ड है कि आपने सच में AI मशीन लर्निंग में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आपको बहुत पसंद आया, आपको बहुत मज़ेदार लगता है AI मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. दैट इज पैशनेट अबाउट द टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फर्स्ट दो रीजंस की वजह से डेटा साइंस में जॉब लेना चाहते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों बड़ी प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डेटा साइंस में जॉब लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब अगर आप पहले दो चीज़ों की वजह से डेटा साइंस में मूव करना चाहते हो तो आपको परेशानी जब होगी ना तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा. ठीक है, और फिर आप छोड़ दोगे, आप क्विट कर दोगे. बट अगर आप पैशनेट हो इस टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, तो आपको जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी जॉब हंटिंग के प्रोसेस में, तब भी आप स्टिक करोगे, आप क्विट नहीं करोगे. ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है खुद से पूछने के लिए कि मुझे जॉब करना क्यों है डेटा साइंस में. अगर इसका आंसर ये है कि मुझे सच में ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, तो फिर आप सही रास्ते पर हो. क्वेश्चन नंबर टू, डू यू अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट. जिस जॉब मार्केट में आप जॉब लेने निकले हो, क्या आपको उसकी समझ है. अब आप बोलोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सो कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी और उसने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पे जॉब करना चाहते हो. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि मुझे डेटा साइंस के डोमेन में ही जॉब करना है. तीन चार महीने बाद जब मेरी उससे फिर से बात हुई, मैंने उससे पूछा कि क्या कैसा चल रहा है, तो उसने बोला कि भैया मैंने छोड़ दिया डेटा साइंस का डोमेन, मैं अब सॉफ्टवेयर में ट्राई कर रहा हूँ. मैंने पूछा क्यों, और उसने बोला इसका रीज़न ये भैया कि सॉफ्टवेयर में ज़्यादा जॉब्स हैं, डेटा साइंस में उतने जॉब्स ही नहीं हैं, कोई फ्रेशर को हायर नहीं करना चाहता. अब ये गलत स्ट्रैटेजी है, मतलब आपको जॉब मार्केट का समझ नहीं है. अगर आपको समझ होता तो आप अपना डिसीजन मेकिंग इस तरीके से नहीं करते. मैं आपको समझाता हूँ, लेट्स डिस्कस कि क्यों डेटा साइंस के जॉब्स कम होते हैं सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में. बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मिंत्रा
स्विगी, ओला, ऊबर, तो पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। बट अगर आपको उस प्रोडक्ट में एक फीचर डालना है, एक स्मार्ट फीचर डालना है, तो फिर आपको डेटा साइंस की ज़रूरत होती है। तो आप रिक्वायरमेंट देखो, पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत है और एक फीचर या मल्टीपल फीचर्स बनाने के लिए डेटा साइंस की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आपको पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए और एक फीचर बनाने के लिए कम लोग चाहिए। और इसी आर्ग्यूमेंट को अगर आप थोड़ा स्केल कर दो तो सारी कंपनीज में यही है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर लाइक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, ज़्यादा लोग चाहिए, और फिर उसमें अगर आपको कोई स्मार्ट फीचर ऐड करना है तो फिर कम लोग चाहिए। मतलब मिंत्रा इज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसका रिकमेंडेशन इंजन इज अ मशीन लर्निंग प्रोडक्ट, ठीक है? तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको पहले से ये समझ होगी कि यार ऑब्वियसली डेटा साइंस के जॉब्स कम होंगे इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप एटलीस्ट इस बात से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि यार 100 जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर में और सिर्फ 10 जॉब्स हैं डेटा साइंस में, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आज की रेट में डेटा साइंस एक नया फील्ड है। हर कंपनी नया नया स्टार्ट कर रही है अपना डेटा साइंस डोमेन, तो दे वांट एक्सपर्ट्स टू हैंडल दैट डोमेन, ठीक है? उनका वो जो स्ट्रैटेजी है वो अभी क्लियर कट नहीं है, तो दे वांट एक्सपीरियंस पीपल टू वर्क इन देयर डेटा साइंस टीम। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे ये पूरा का पूरा पाथवे क्लियर हो जाएगा, एक तरीका सेटअप हो जाएगा कि हम इस तरीके से काम करते हैं, और फ्रेशर्स को हायर करने लगेंगे लोग, जैसा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हुआ, ठीक है? आज की डेट में जिन भी कंपनीज में उनका डेटा साइंस स्ट्रैटेजी क्लियर कट है वो लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं, ठीक है? और जहां भी क्लियर नहीं है वो लोग अभी फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहते, बिकॉज दे नीड एक्सपीरियंस पीपल टू यू नो हैंडल द एंटायर थिंग। सो ये पूरा क्वेश्चन पूछना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको अपने जॉब मार्केट की समझ नहीं है ना, तो वो आपको परेशान करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करेगा, और आप इतने वियर्ड से रीजन पे छोड़ दोगे अपना पैशन को कि यार वहाँ पे 50 जॉब है, यहाँ पे सिर्फ 5 जॉब है, तो बताओ हमें तो सॉफ्टवेयर में ही काम करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव द राइट एटीट्यूड? आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे पास सही एटीट्यूड है कि नहीं। अब एक बात जान लो, डेटा साइंस में जॉब लेना डिफिकल्ट काम है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि नंबर ऑफ जॉब्स कम है और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यहां पर जितना मैटर करता है आपका प्रिपरेशन, आपका पोर्टफोलियो, आपका रेज्यूमे, शायद उतना ही मैटर करता है कि आपके पास सही एटीट्यूड है कि नहीं। क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों के पास सही एटीट्यूड नहीं होता वो लोग क्विट कर देते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, उनसे नहीं होता है। अब आप पूछोगे सही एटीट्यूड का क्या मतलब है, मैं आपको प्रिसाइजली 3 पॉइंट्स बताता हूं जो मुझे लगता है कि सही एटीट्यूड है डेटा साइंस का जॉब लेने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए वो है फोकस। अगर आपको 6 मंथ्स में जॉब लेनी है और आपको 4 मंथ्स में सारा सिलेबस कवर करना है, तो आपको डेली 8 घंटे पढ़ना है। क्या आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर वर्ल्ड कप आ गया और आपने बोला नहीं यार आज इंडिया का मैच है, कल 16 घंटे पढ़ लूंगा, दैट विल नॉट हेल्प। यू नीड सिंगुलर फोकस, ठीक है? 6 मंथ्स में आपको जॉब लेना था, सडनली से 3rd मंथ में आपने रियलाइज किया कि यार एक एल्गोरिथम मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले 6 मंथ्स का एक कोर्स कर लेता हूं, फिर 9 मंथ्स के बाद मैं जॉब लेने निकलूंगा। नहीं, प्लान जो था उस पर स्टिक करना है। आज परेशानी हुई है, कल नहीं होगी, ठीक है? आप जॉब लेने निकले थे, सडनली से आपको IIT से एक रिसर्च इंटर्नशिप का ऑफर आ गया जिसमें ज्यादा पे नहीं है, आपने बोला यार कर लेते हैं, चलो कुछ तो ऑफर मिल रहा है। नो, सिंगुलर फोकस इज रिक्वायर्ड टू गेट योर गोल। आपके पर्सनालिटी में ये होना चाहिए कि आपने अगर बोला है कि मुझे इस पीरियड में जॉब लेना है, तो आप उस पीरियड में फोकस लूज नहीं कर सकते, ठीक है? सेकेंड चीज जो आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत मैटर करेगा, आगे भी मैं कई पॉइंट्स आपको बताऊंगा वहां पे पेशेंस बहुत मैटर करेगा। कुछ दिन पहले मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, उसने मुझे कॉल किया और ही सेड कि उसने जॉब ले लिया बहुत दिनों के बाद, एंड ही टोल्ड मी उसने 35 इंटरव्यूज दिए। 35, कैन यू इमेजिन, बंदा 34 इंटरव्यूज में रिजेक्ट होने के बाद भी इतना पेशेंस बनाए रखा कि 35th इंटरव्यू देने गया। आपने भी अगर डिसाइड किया कि मुझे 6 महीने 1 साल में जॉब लेना है, तो उन 6 महीने 1 साल में भले ही आप 1000 कंपनीज में रिजेक्ट हो जाओ,
बट आपको क्विट नहीं करना है, बिकॉज प्लान क्या था, एक साल में जॉब लेना है, अभी एक साल नहीं हुआ है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आपका जॉब हो जाएगा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्विट नहीं करोगे आपका जॉब हो जाएगा, तो पेशेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज यू हैव टू बिलीव, आपको पूरे टाइम थ्रू आउट, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, जब आप जॉब हंट कर रहे हो, इस पूरे प्रोसेस में यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू सी योर सेल्फ बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट। आपको हमेशा देखना होगा कि यार मुझे अमेजॉन में डेटा साइंटिस्ट बनना है, उसको इमेजिन करो, ठीक है, लोगों के इंटरव्यूज देखो, इंस्पायर हो, बट बिलीव करना मत छोड़ो, बिकॉज आप बिलीव करना अगर छोड़ दोगे ना तो यू वुड लूज इट, आप क्विट कर दोगे। तो मुझे लगता है कि ये तीन एस्पेक्ट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे अपनी पर्सनालिटी में। ऑब्वियसली आपको खुद को एक टाइम लिमिट भी देना है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सालों साल आप ट्राई कर रहे हो, दो साल तीन साल हो गए और आपके पास कोई जॉब नहीं है, दैट इज नॉट द वे। 6 months के पीरियड में मुझे ये चीजें रखनी है, मैं रखूंगा, ठीक है। तो ये तीन सवाल मुझे लगता है आपको खुद से पूछने चाहिए, और अगर आपके पास इन तीनों सवालों के जवाब हैं तो नाउ यू आर गुड टू गो। अब लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पे मैं एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे आके आपको बताऊंगा कि आप क्या प्रॉब्लम फेस करोगे और उसका सोल्यूशन क्या है। सो मेरे एक्सपीरियंस में जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, डेटा साइंस जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं, वो मेजरली तीन ही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब। पहला प्रॉब्लम, आपको जॉब्स ही नहीं दिख रहे जहां पर आप अप्लाई करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर टू, आपको जॉब्स तो दिखाई दे रहे हैं बट जब आप उन जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मतलब आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे इंटरव्यूज के लिए, दिस इज प्रॉब्लम नंबर टू। एंड प्रॉब्लम नंबर थ्री इज कि आप शॉर्टलिस्ट भी हो जा रहे हो बट इंटरव्यू प्रोसेस में कहीं ना कहीं जाके रिजेक्ट हो जा रहे हो। सो मोस्ट लाइकली आपको भी इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम ही हो रही होगी, ठीक है। एक एक करके मैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, रीजन डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम, आपको जॉब्स ही नहीं दिखाई दे रहे जहां पे आप अप्लाई करो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये अजीब सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे तो दिखते हैं जॉब्स, और भी बहुत लोग जिन लोगों ने जॉब्स क्रैक किया उनको भी दिखते हैं, आपको नहीं दिख रहा। तो दो रीजंस हो सकते हैं, पहला ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपको एक ही जॉब चाहिए, बाय द वे मतलब आपको 10,000 जॉब नहीं चाहिए, आप एक ही जॉब करोगे। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको एक भी जॉब नहीं दिख रहा, दैट इज वियर्ड, क्योंकि एक जॉब तो सभी के लिए है एटलीस्ट, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ये हो कि आपको इनफ जॉब्स नहीं दिखाई दे रहे, तो उसका एक सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क और ग्रो करो। मोस्ट लाइकली आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, आपका जो रीच है, उसमें उतने जॉब्स नहीं आ पा रहे हैं, शायद आपको उन वेबसाइट्स के नाम नहीं पता जहां पे और जॉब्स मिले, या फिर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने इनफ कनेक्शंस बिल्ड नहीं किए कि आपको डे टू डे बेसिस पे लिंक्डइन के फीड पे जॉब्स दिखाई दे। तो तीन चार चीज़ें आप कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है यू हैव टू इम्प्रूव योर लिंक्डइन में जो आपका प्रेजेंस है, ठीक है। आपको और ज़्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई दिखाई दे रहा है आपका सीनियर जो डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे है, या फिर इन जनरल भी अगर कोई किसी कंपनी में डेटा साइंस के डोमेन में है, आपको एक पोलाइट सा मैसेज लिख करके उनसे कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप एचआर को फॉलो कर सकते हो, एचआर की टीम्स होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ मेरे पास 1,000 से ज़्यादा कनेक्शंस हैं, और ऑन अ डेली बेसिस मुझे कोई ना कोई दिख जाता है कि कोई रेफर करो, हमें इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, हमें इस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, या फिर एचआर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई यूट्यूबर ही पोस्ट कर रहा होता है कि यार यहाँ पे अप्लाई कर लो, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो है लाइक जॉब्स आपको बहुत मिल सकते हैं अगर आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल सही करके रखो, इनफ कनेक्शंस बना के रखो, ठीक है। पहले मैं सोचता था कि कोई मुझे रेफर क्यों करेगा, ये भी लोगों के अंदर डाउट आता है कि कोई मुझे क्यों रेफर करेगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है वो आपको रेफर करेंगे, उनको भी पैसा मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई रेफर कर रहा है, आपकी जॉब लग जाती है तो उनको भी पैसे मिलते हैं, तो उनके पास भी मोटिवेशन है आपको रेफर करने का। सो लिंक्डइन इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे आपको कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए, मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए, सो दैट आप एटलीस्ट लिंक्डइन के थ्रू थोड़े से ऑफर्स वगैरह निकाल पाओ, ठीक है।
सेकेंड इज़ आप कुछ इस तरह की वेबसाइट्स पे जाओ या पता करो ऐसी वेबसाइट्स का जहाँ पे उतना क्राउड नहीं है। अब आप naukri.com पे जाओगे और अप्लाई करोगे तो आपका रेज्यूमे कहाँ दब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे उतने लोग नहीं जाते, उतने लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे जॉब्स हैं, वहाँ पे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, सो एक वेबसाइट तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड angel.co, एंजल लिस्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे सारे स्टार्टअप्स अपना जॉब्स डालते हैं और मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है एंजल लिस्ट के बारे में, सो दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी रिसेंटली एक ऐप आया है जिसका नाम है हायरेक्ट, जहाँ पे आप डायरेक्टली स्टार्टअप फाउंडर से बात कर सकते हो रिगार्डिंग जॉब्स। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। यू हैव टू जस्ट इम्प्रूव योर प्रोफेशनल नेटवर्क। ठीक है, थर्ड एक वेबसाइट है meetup.com, वहाँ पे लोग ऑनलाइन मीटअप्स क्रिएट करते हैं और लोग मिलते जुलते हैं। तो आप जितने भी AI मशीन लर्निंग डोमेन वाले मीटअप्स हैं उनका पार्ट बन सकते हो, उन लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। यू नेवर नो आपको आपका नेक्स्ट जॉब ऑफर कहाँ से मिल जाए। ठीक है, लास्टली जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए वो है यू शुड ट्रेन योर सोशल नेटवर्क। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपने सोशल नेटवर्क को ट्रेन करना चाहिए? आप जितने भी सोशल नेटवर्क्स यूज़ करते हो, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे के सारे इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि आप जो भी रीसेंट सर्चेस करते हो या जो भी आपका रीसेंट इंटरेस्ट है ये उसके हिसाब से ही आपको फीड दिखाते हैं। सो अगर आप एक हफ्ते तक डेली सर्च करो हाउ टू गेट अ जॉब इन डेटा साइंस जॉब्स इन इंडिया, डेटा साइंस जॉब्स इन दिल्ली, ये सारे के सारे सोशल नेटवर्क्स इस तरीके से ट्रेन हो जाएंगे कि ये ऑटोमेटिकली आसपास से इन कीवर्ड्स के ऊपर जितने भी वेब पेजेस होंगे वो आपको दिखाने लग जाएंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं टू ट्रेन योर सोशल नेटवर्क। अब हो सकता है कि कोई कंपनी हो, उनको डेटा साइंटिस्ट चाहिए हो और उन्होंने वो जो जॉब प्रोफाइल है या जॉब ऑफर है वो अपनी वेबसाइट पे क्रिएट किया, naukri.com पे क्रिएट नहीं किया, तो एटलीस्ट गूगल तो उसको पिक करेगा ना और आपकी फीड में लाके दिखाने लग जाएगा। तो आपको अपने सोशल नेटवर्क को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो आसपास में जितने भी ये हिडन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको लाके दिखाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर टू, कि आप जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो बट आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो। अब ऑनेस्टली ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है बिकॉज आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ को आप इम्प्रूव करोगे तो आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करो कि आपको जो रिजेक्ट कर रहा है वो कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एल्गोरिदम है। अब अगर आप naukri.com की बात करो तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि naukri.com का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो आपके बैकग्राउंड को एक वेटेज देता है। सो अगर आप IIT NIT से हो या फिर आपने पास्ट में अच्छी कंपनीज में काम कर रखा है तो रिक्रूटर्स को आपकी प्रोफाइल ऊपर दिखाई जाएगी। अगर आप एक नॉन प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हो तो आपका प्रोफाइल नीचे दिखाया जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी कम है। तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप एल्गोरिदम से रिजेक्ट ना हो, भले ही आप किसी ह्यूमन बीइंग से रिजेक्ट हो जाओ। कैसे करोगे ये काम? बहुत सिंपल है, आपको ऐसी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करना है जहाँ पे इस तरह के एल्गोरिदमिक फिल्टर्स नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया एंजल लिस्ट पे जाके अप्लाई करो या फिर ये जो नए ऐप्स आ रहे हैं उनके ऊपर जाके अप्लाई करो, कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके उस कंपनी के लिए अप्लाई करो, HRs को पर्सनली मेल करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो। मेक श्योर कि सामने वाला अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है तो वो इंसान हो, कोई एल्गोरिदम आपको रिजेक्ट ना करे, उसके बाद आगे की प्रॉब्लम समझी जाएगी। सो गाइस चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स एज इन HRs शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। ये समझने के बाद आप थोड़ा बेटर तरीके से अप्लाई कर पाओगे। सो शॉर्टलिस्टिंग का मतलब सबसे पहले तो ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप उस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हो। शॉर्टलिस्टिंग का मतलब है कि आप फर्स्ट स्टेज पे रिजेक्ट नहीं हुए हो। सो इट इज़ लाइक किसी एग्जाम में आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आपका टारगेट है कि आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं। अब आप HR के दिमाग में पासिंग मार्क्स कैसे ले सकते हो? अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊंगा। अपनी लाइफ के 2 साल मैंने एक स्टार्टअप चलाने में स्पेंड किया जहाँ पे वो स्टार्टअप था एक जॉब पोर्टल,
और उस स्टार्टअप को रन करने के प्रोसेस में मैंने शायद 200 प्लस एचआर लोगों से बात की है, तो मैं उनका साइकोलॉजी समझता हूँ। अगर आप एचआर के दिमाग में ज़रा सा भी डाउट क्रिएट कर पाए कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा भी डाउट क्रिएट कर पाए कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, तो डाउट क्रिएट करना कैसे है? बहुत सिंपल है। आपको आपके रेज्यूमे में इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो या रेज्यूमे बनाना है कि उसमें एटलीस्ट एक लाइन का डिस्क्रिप्शन मिल जाए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सो स्टार्टअप्स में ऐसे बोला जाता है कि अगर आप एक लाइन में अपना स्टार्टअप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपका स्टार्टअप क्या करता है, तो आपका स्टार्टअप अच्छा नहीं है। सिमिलरली, अगर आपके रेज्यूमे में एक लाइन भी ना निकल पाए कि ये बंदा ऐसा है, तो वो रेज्यूमे अच्छा नहीं है। ठीक है, एक लाइन कुछ भी हो सकता है। एक लाइन ये हो सकता है कि आप IIT से हो। अब ये एक लाइन रेज्यूमे कि आपके HR के दिमाग में स्टिक कर जाएगी, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। आपने पास्ट में गूगल में काम किया है, आपके रेज्यूमे में ये लिखा है, तो ये एक लाइन उसके दिमाग में स्टिक कर जाएगी कि वो बंदा गूगल में काम कर चुका है। सिमिलरली, आपको कोई एक चीज़ ऐसी निकालनी है, एक लाइन ऐसी निकालनी है कि वो स्टिक कर जाए आपके HR के दिमाग में। अब वो एक लाइन क्या है, वही आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप प्रीमियर कॉलेज से नहीं हो तो IIT NIT का कॉन्सेप्ट चला गया। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने पास्ट में किसी भी कंपनी में काम नहीं किया, गूगल तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसा क्या हो सकता है, यही आपको सोचना है। अब तीन चार चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप कुछ ऐसा आउटरेजियस प्रोजेक्ट वहाँ पे लिखो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके HR को बाकी किसी भी रेज्यूमे में दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, इट कुड बी अ सेल्फ ड्राइविंग कार, और आई डोंट नो, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बेसिकली कोई वाओ प्रोजेक्ट जो पढ़ते ही आपके HR को लगे कि यार ये तो सही चीज़ है, और उसके दिमाग में स्टिक कर जाए, तो वो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप वर्क एक्सपीरियंस शो करो थ्रू ओपन सोर्स। सो आई गेस आपको ओपन सोर्स के बारे में पता है। अब आप गूगल में काम का एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते बिकॉज आपने गूगल में काम नहीं किया है, बट आप नंपाई और पैंडास के ऊपर तो काम कर ही सकते हो। दे आर ओपन सोर्स पैकेजेस, इसका मतलब कोई भी उनमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। सो आपको ओपन सोर्स पैकेजेस के ऊपर काम करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। आप पैंडास में कॉन्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करो, पाइथन में कॉन्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करो, या फिर बहुत सारे और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अगर आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी चला गया किसी भी फेमस पैकेज या लाइब्रेरी में, अगर आपने उसको लिखा है अपने रेज्यूमे में, तो वो लाइन स्टिक करेगी। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है कैगल, या फिर कोई हैकाथॉन जीतना या कोई बड़ा कॉम्पिटिशन जीतना, तो वो लाइन भी आपके अचीवमेंट सेक्शन में होगी और वो भी आपके HR के दिमाग में हिट करेगी। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपको रिजेक्ट करने वाला ह्यूमन बींग एज इन HR ही होना चाहिए, और फिर आपको उसके इर्द गिर्द स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे मैं एक इम्प्रेशन छोड़ सकता हूँ उस HR के दिमाग में। आपको बस एक लाइन के ऊपर काम करना है, वो एक लाइन क्या है वो आपको सोचना है। मैंने आपको तीन चार ऑप्शंस दिए, और भी ऑप्शंस हैं, बट हमेशा याद रखो, सिर्फ एक लाइन अगर आपके रेज्यूमे से निकल के उसके दिमाग में चिपक गई, तो फिर आप रिजेक्ट नहीं होगे, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। इनफैक्ट एक काम जो आपको करना चाहिए वो है कि आपको अपना रेज्यूमे बनाने के बाद लोगों से फीडबैक लेना चाहिए। किससे फीडबैक लोगे? जो भी नॉलेजेबल हैं, आपसे सीनियर हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनके पास जाओ, अपना रेज्यूमे दिखाओ और बोलो कि भैया फीडबैक दो। आपके कॉलेज का सीनियर ये काम कर सकता है, कोई रैंडम लिंक्डइन कनेक्शन ये काम कर सकता है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है कि लोग रेज्यूमेज मांगते हैं अपने सब्सक्राइबर्स का, और वीडियो में उसको पूरा का पूरा वेरीफाई करके फीडबैक देते हैं। तो बहुत बढ़िया होगा अगर आप तीन चार सही लोगों का फीडबैक ले पाओ अपने रेज्यूमे के ऊपर। उससे ज़्यादा आपके रेज्यूमे को कोई हेल्प नहीं करेगा। एकदम ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो पॉइंट्स बताएंगे आपको, जिनको ठीक करते ही आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 3। आप शॉर्टलिस्ट भी हो जा रहे हो, बट इंटरव्यू प्रोसेस में किसी ना किसी राउंड में जा करके एलिमिनेट हो जा रहे हो। ठीक है, अब इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके टेक्निकल स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है, और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका जो सॉफ्ट स्किल है वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन।
अब अगर आपके टेक्निकल स्किल्स अप टू द मार्क नहीं हैं तो फिर यार बहुत सिंपल सी बात है, ये इजी प्रॉब्लम है एक्चुअली। आपको सिंपली एक मशीन लर्निंग मॉडल की तरह काम करना है, आपको लॉस फंक्शन पता है, आपको बस उसको रिड्यूस करना है। तो आपको अगर पता है कि यार मैं इन क्वेश्चंस पे फंस रहा हूँ या इस टॉपिक पे फंस रहा हूँ, तो आपको घर आना है और आपको उसके ऊपर काम करना है। मैं तो इनफैक्ट आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी सॉर्ट ऑफ मेंटेन करो, हर इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखो, आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया, उसका कैसा रिएक्शन था, इसको एक जगह पे स्टोर करो, ठीक है। और आपको ऑटोमेटिकली आपके वीक एरिया समझ में आने लग जाएंगे और उन वीक एरियाज के ऊपर आप काम करो। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा इंटरव्यू के एंड में बहुत पोलाइटली सामने से इंटरव्यूअर से पूछ लो, सर आपका क्या फीडबैक है मेरे बारे में। 99% टाइम्स आपका इंटरव्यूअर आपको ऑनेस्ट फीडबैक देगा और वो फीडबैक बहुत मीनिंगफुल होता है। आपको उसको पकड़ के खुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड यू वुड सी कि 3-4 इंटरव्यूज देने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होने लग जाता है, ठीक है। अगर आप सॉफ्ट स्किल में लैक कर रहे हो तो फिर यार इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप और ज़्यादा इंटरव्यूज दो। अब आई नो कि इंटरव्यूज थोड़े कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज आपको शायद मिलेंगे नहीं, तो आपको मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए। जहां से भी आपको मिले मॉक इंटरव्यूज देने का ट्राई करो। अगेन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, वहां पे अपना नाम डालो, इफ यू आर लकी आपका मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। उससे डरो मत, कोई परेशानी नहीं है, बट मॉक इंटरव्यूज कहीं से भी जुगाड़ो, मॉक इंटरव्यूज आर इनवैल्यूएबल, ठीक है। तो ये चीज अगर आप कर पाए तो फिर ऑब्वियसली आप इस स्टेज में रिजेक्ट नहीं होगे। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से अच्छा है तब तो बहुत बढ़िया, और अगर फिर भी अगर कुछ वीक एरियाज हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर मेहनत करने से आप 1-2-4 इंटरव्यूज में इवेंचुअली यू विल बी एबल टू क्रैक द जॉब, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलो अब मूव करते हैं पार्ट 3 पे, जहाँ पे मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूँगा जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेगा इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा ईजी बनाने में। टिप नंबर 1, ये टिप उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बट किसी और प्रोफाइल में, या तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर टेस्टर हो या फिर आप किसी और डोमेन में काम कर रहे हो बट आप ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हो। द टिप इज, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग अ डेटा साइंस जॉब इन सम अदर कंपनी, गो फॉर एन इंटरनल स्विच। अपनी कंपनी के अंदर ही डोमेन स्विच करने का ट्राई करो, डेटा साइंस टीम में घुसने का ट्राई करो, ठीक है। ये थोड़ा ईजी रहेगा बाहर के कंपेरिजन में, अगर आपके कनेक्शन सही हैं सीनियर लेवल पे तो ये पॉसिबल है। और कुछ नहीं तो आप एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम करने का रिक्वेस्ट मांग लो, या फिर और वो भी ना हो पाए तो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पे ही काम कर लो। आपको बस सामने वाले मैनेजर को कन्विंस करना है कि आई एम हाईली इंटरेस्टेड एंड आई वुड लाइक टू मेक अ स्विच। आप भले ही मुझे मेन प्रोजेक्ट पे अभी डिप्लॉय ना करो बट अगर आपके पास कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लेवल पे कोई प्रोजेक्ट है तो आप मुझे वो दे दो, मैं वो कर लूँगा। एंड गेस वॉट, ये एक्सपीरियंस भी जब आप इंटरव्यूज में बैठोगे तो काउंट होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टिप है जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं बट उनको करना चाहिए क्योंकि ये एक ईजी तरीका है जॉब लेने का। टिप नंबर 2, रादर देन गोइंग फॉर अ बिग कंपनी यू शुड इनिशियली टारगेट सम स्टार्टअप। मतलब ये अगेन एक टिप है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो बट मैं इसका लॉजिक आपको समझाता हूँ। आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स खुले हैं इंडिया में और स्टार्टअप्स थोड़े ज़्यादा डेटा सेंट्रिक होते हैं, मतलब उनका टेक्नोलॉजी और जो फोकस होता है वो बहुत टेक ओरिएंटेड होता है। तो देर इज़ अ बिग बिग चांस कि वहाँ पे डेटा साइंस टीम की ज़रूरत हो, डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हो। तो आप एक छोटे स्टार्टअप को टारगेट कर सकते हो जहाँ पे 1 से 10 एम्प्लॉयज़ हों या फिर 1 से 50 एम्प्लॉयज़ हों या 100 एम्प्लॉयज़ हों। इस तरह के स्टार्टअप्स आपको बहुत मिलेंगे। एक वेबसाइट है yourstory.in जहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 100 स्टार्टअप्स का एक लिस्ट बनाना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है और पर्सनली एक ईमेल लिखना है उनके एचआर को कि आपका स्किल सेट क्या है और आपको क्यों लगता है कि आप उस स्टार्टअप में काम कर सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप 100 स्टार्टअप्स में ईमेल करोगे उनमें से कम 30 आपको रिप्लाई करेंगे और उनमें से 5-6 में तो आप इंटरव्यू में बैठ ही जाओगे, और अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। एंड गेस व्हाट, सिंस इन स्टार्टअप्स को जस्ट फंडिंग मिली होती है, देर इज़ अ गुड चांस कि आपका जो पैकेज है
वो भी बहुत अच्छा हो इनिशियल लेवल पे ही। ठीक है, मैंने देखा है कुछ बच्चों को जो जस्ट मेरे से पढ़ के निकले थे और उनका पैकेज सीधे 5 to 7 lakhs के रेंज में था। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को टारगेट करना स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है थोड़ा बेटर मूव है इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग बिग MNCs। टिप नंबर 3, हैकाथॉन्स। अब आज की डेट में हैकाथॉन्स पूरे टाइम होते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज हैकाथॉन्स कराती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हैकाथॉन्स होते हैं, इनफैक्ट कॉलेजेस में भी हैकाथॉन्स होते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, इनफैक्ट कैगल को भी मैं भूल गया, कैगल पे भी बहुत हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इन सब के थ्रू हायरिंग भी होती है। सो बहुत सारे ऐसे हैकाथॉन्स हैं जहाँ पे पहले इंटर्न्स को हायर किया जाता है और फिर उन्हीं इंटर्न्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया जाता है और उनको हायर कर लिया जाता है फुल टाइम रोल के लिए। तो ये मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में कि वो IIT के किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने गए, top 3 टीम्स में आ गए, वहाँ से उनको एक इंटर्नशिप ऑफर मिला और उस इंटर्नशिप ऑफर में उन्होंने काम किया 6 महीने, तो उनको एक फुल रोल भी मिल चुका है। ठीक है, तो हैकाथॉन्स में आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज तो आपका नो डाउट बढ़ेगा ही, अगर आप क्रैक कर पाए top 3 पोजीशंस तो फिर आपको जॉब्स मिलने के भी चांसेस हैं, और अगर आप नहीं भी अगर ले पाए टॉप पोजीशन तो अगर आप top 10% में भी आते हो तो आपके रेज्यूमे के लिए एक बहुत बढ़िया हेडलाइन आपको मिल जाएगा कि उस हैकाथॉन में आई गॉट इन द top 10 टीम्स। ठीक है, सो आई गेस आपको ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है। टिप नंबर 4, अगर आप बहुत परेशान हो चुके हो ये पूरे के पूरे प्रोसेस से कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए किन कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए, तो एक इजी सॉल्यूशन ये है कि आप एक मास्टर्स डिग्री कर लो AI या डेटा साइंस के डोमेन में। आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन 1 साल या 2 साल की डिग्रीज करा रहे हैं जिनको PGPs बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, अपग्रेड हुआ, ग्रेट लर्निंग हुआ, इस तरह के बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप करके ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रही हैं ऑनलाइन। सो अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़ा कॉस्टली होते हैं ये प्रोग्राम्स, तो आप इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि यार यहाँ पैसे बर्बाद ना हो जाएं, ऐसा डाउट आ सकता है आपको, तो आई वुड से कि 2-3 साल पहले अगर आप ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाता, बट आज की डेट में क्या हो रहा है, आपको फिर से जॉब मार्केट का थोड़ा समझ होना चाहिए। तो जिस तरीके से आप परेशान हो अच्छी कंपनी में घुसने के लिए, उसी तरीके से अच्छी कंपनीज भी परेशान हैं खोजने के लिए कि उनको अच्छे कैंडिडेट्स कहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो पूरे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं ना, ये काइंड ऑफ एक मेला की तरह है जहाँ पे कंपनीज़ को पता है कि उनको खूब सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, और वहाँ पे जाकर के अगर वो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करेंगे तो एटलीस्ट 1-2 अच्छे कैंडिडेट्स उनको मिल ही जाएंगे। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो कल्चर आया है ना, इससे ये मेक श्योर हो गया है कंपनीज़ के HR को, ये पता है कि अगर मुझे कहीं नहीं मिला कैंडिडेट तो इन PGP प्रोग्राम्स में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप थोड़े कंफ्यूज हो कि क्या करना है, तो आपको एक अच्छा सा प्रोग्राम देख करके उसमें एनरोल कर सकते हो। उसमें एनरोल करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पहले तो एंड टू एंड अच्छा पढ़ाया जाएगा, इतना पैसा ले रहे हैं दे वुड एंश्योर कि आपको अच्छा पढ़ाया जाए, और फिर आपका प्लेसमेंट का भी वो लोग ही टेंशन उठाएंगे। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास पैसे हैं इस चीज़ के लिए या फिर नहीं है। ठीक है, माई लास्ट टिप एंड प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है, फाइंड अ मेंटोर। अपने लिए गुरु खोजो। अब ये गुरु कोई भी हो सकता है, ये गुरु कोई लिंक्डइन का कनेक्शन हो सकता है, ये आपका सीनियर हो सकता है, ये आपके भैया हो सकते हैं, ये कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको नॉलेज हो उस डोमेन का, जिसने पहले से वो सारी चीज़ें कर रखी हों। आप बस उनके पास पहुँच जाओ, उनको कन्विंस करो कि भैया मैं 6 महीने एक जॉब खोजना चाहता हूँ, उसमें बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब आप अपने मेंटोर को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा परेशान करोगे तो वो आपका हेल्प नहीं करेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि मेरा कोड रन नहीं कर रहा है आप हेल्प कर दो, उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसको आप दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करो। उससे जाके पूछो कि भैया मैं कौन सी कंपनीज में अप्लाई करूँ, कैन यू टेल मी मैं कौन सी चीज़ों पर फोकस करूँ तो मेरा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छे से निकलेगा, कैन यू टेल मी मेरे रेज्यूमे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप अपनी कंपनी में मुझे रेफ़र कर सकते हो, क्या आप अपने प्रोफेशनल सर्कल में मुझे रेफ़र कर सकते हो। इस तरह के बड़े बड़े चीज़ों के लिए आप उसका हेल्प लो। आप उससे पूछो कि क्या आप मेरा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है इसके बारे में आप गाइड कर सकते हो मुझे, क्या आप मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले सकते हो संडे को अगर आप फ्री हो। उसको अपने लिए यूज़ करो,
वाइल ऑब्वियसली मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट कि वो आपसे बहुत बड़ा है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको एक भी ढंग का बंदा मिल गया जो 6 महीने आपके साथ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है आपके इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, आई कैन गारंटी यू उसके गाइडेंस के अंडर आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट होगा और आप जॉब क्रैक कर ही लोगे। सो आज की डेट में अगर आपको एक मेंटोर मिल जाता है, मुझे लगता है उससे बड़ी चीज़ आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मेंटोर खोजने पर थोड़ा फोकस करो, ठीक है? तो ये रहे वो 5 टिप्स जो मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों में से कोई और कुछ और टिप्स यूज़ करता है या जानता है तो कमेंट में शेयर करो यार, बाकी लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैंने जितना भी बताना था मैंने बता दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको किसी भी लेवल पे हेल्प करे, उसी लिए इतना मेहनत किया है। बाकी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।